प्रातः क्लास चल रहा था 10/7/1967 सोमवार को पांचवें पेज की मध्यांत में बात चल रही थी। तो आत्मा आकर के आत्मा को पढ़ाती है ना, नॉलेज फुल ऑफ समान बनाती है। तो तुम जानते हो कि हम बहुत नॉलेज फुल बनते हैं और वो दुनिया वालों के पास कोई नॉलेज थोड़ी है, वो उनकी भक्ति मार्ग की नॉलेज है। पंच तत्वों की नॉलेज है, भौतिकवादी नॉलेज कही जाती है। अनेक प्रकार की नॉलेज होती है उसमें। तो कमाई के लिए भी कॉलेज होते हैं बच्चे, और शास्त्रों की भी नॉलेज होती है, और इसको जो तुम पढ़ते हो उसको कहा जाता है एक ही बार ये नॉलेज, रूहानी नॉलेज। और दुनिया में सब है जिस्मानी नॉलेज। इस समय में तुमको रूह बैठ करके रूहों को नॉलेज सुनाती है। नई बात हो गई ना बच्ची, कभी भी ऐसे नहीं सुना होगा कि ये ड्रामा है। दुनिया वालों में तो ये वंडरफुल बात लगेगी, भाई ऐसे तो हो नहीं सकता। जो तुम सुनते हो जब, फिर रिपीट भी तो तभी होगी। तो तुम बच्चों को मालूम भी नहीं होती है कि नॉलेज तुम बच्चों को बाप कैसे पढ़ाते हैं, ईश्वर पढ़ाते हैं ना। तुम्हारे में भी देखो कोई है तो पढ़ाई में कितना फर्क है। तो पढ़ाई में रात दिन का फर्क पड़ जाता है। यहां शूटिंग कैसे होती है, जो रात दिन का फर्क पड़ जाता है। शूटिंग होती है ना क्या, यहां कैसे शूटिंग होती है। अरे बेसिक में एडवांस में शूटिंग हो रही है ना। क्या रात दिन का फर्क है या नहीं है, है? समझा बाबा, रात दिन का फर्क क्यों कहते हैं। कहां वो राजा रानिया, वो हाईएस्ट, और कहां प्रजा में भी लोएस्ट। प्रजा भी कोई एक तरह की थोड़ी होती है, फर्स्ट क्लास प्रजा, सेकंड क्लास प्रजा, थर्ड क्लास। तो प्रजा में भी कोई लोएस्ट होते हैं। जैसे बाबा कहते हैं ना, अगर मेरे को छोड़ा, निंदा की या छोड़ दिया, या उस तरफ में दुनिया की ओर चला गया, तो वहां जाकर के अगले जन्म में चांडाल का जन्म लेंगे।
कौन बनते हैं चांडल है? देते हैं फिर ले लेते हैं तो चांडाल बनते तो है ना। अभी वो अक्षर है ना उनका, यानी दुनिया में जो कम से कम पद है वो पाएंगे। अगर छोड़ेंगे तो कम से कम ऐसे ऐसे पद होते हैं ना बच्चे। तो देखो यहाँ तो बाप पढ़ाते हैं, कितनी मार्जिन है पढ़ने में ही? क्या ऊंची थे ऊंची, और वो उस पढ़ाई में ऐसे तो नहीं है कि कोई इतना फर्क पड़ जाते। अच्छा मान लो बैरिस्ट्री में कोई फेल हुआ तो कोई इतना थोड़े ही नीचे गिर जाएगा, कितना कि जाके चांडाल बनना पड़े ना। पढ़ा लिखा होता है बहुत अच्छा मिलता है, अच्छा मिलेगा और इसमें तो देखो पढ़ाई बड़ी लंबी चौड़ी है बिल्कुल ही है। कितनी लंबी चौड़ी पढ़ाई है, है? अरे नौकुरियों के ब्राह्मण बनते हैं ना तो पढ़ाई भी नंबरवार होगी ना। कहां तुम सूर्यवंशी राजा ही पाएंगे, चंद्रवंशी बनेंगे नहीं बनेंगे तो उनके दास दासी बनेंगे, नहीं तो प्रजा में जाकर बड़े साहूकार बनेंगे। अच्छा कम साहूकार बनेंगे नहीं तो फिर उन साहूकारों में जाकर के दास दासी बनेंगे। तो देखो यहां जो राजधानी स्थापन होती है कितने दर्जे हैं यहां, क्योंकि तुम बच्चे जानते हो और बाप ने समझाया है कि बच्चे मैं आता हूं यहां करके जो भविष्य की देवी देवताएं हैं, जो ये राजधानी पहले भी थी डीटी किंगडम, ये डीटी किंगडम थी ना तो ये सभी किंगडम है ना, ये बौद्धियों की भी किंगडम है, इस्लामियों की किंगडम है, सबकी किंगडम स्थापन हो और ये सभी हैं इस समय में। और ये भी बच्चे जानते हो कि हाँ पढ़ाने वाला बाप एक ही है, किंगडम स्थापन करते हैं ही? वो धर्म पिता आते हैं कोई किंगडम स्थापन थोड़ी करते हैं, बस धर्म स्थापन किया। और यहां पुरानी दुनिया में बैठ करके तुमको किंगडम स्थापन करते हैं तो लायक बनो, जो नई दुनिया में जाकर के ऊंच पद पाओ।
है तो दूसरे जन्म में, परंतु वो नई दुनिया और ये दुनिया तो विनाश हो जाने की है, सब कुछ विनाश हो जाएगा। इसलिए बाप कहते हैं क्या कि जल्दी जल्दी तैयारी करते जाओ, है जल्दी करो, सुस्ती ना करो, गफलत नहीं करो। है गफलत क्या होती है? है हिंदी में कहते हैं प्रमाद मत करो। है आज का काम कल के ऊपर टाल दिया तो वो भी गफलत कही जाती है। टाइम वेस्ट नहीं करो, क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाता है जितना तुम याद नहीं करते हो तो टाइम वेस्ट हो जाता है। और तुम्हारा तो ये मोस्ट वैल्यूएबल टाइम है, इसलिए बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तुम्हारा मोस्ट वैल्यूएबल क्यों है? क्योंकि तुम अभी संगम युग में ही ये पढ़ाई पढ़ते हो। वो पढ़ाइयां तो जन्म जन्मांतर चलती चली आई है, इसलिए याद की भले वे धंधे भी करो उनसे शरीर निर्वाहार्थ, कोई मना नहीं है, भले करो। उसके लिए तो बाबा ने टाइम दे दिया और वो भी बोलते हैं क्या कमडे कार्डे और दिल यारडे। सच्चे सच्चे अपन को ऐसे बैठो बरोबर, हम तो आशिक थे आधा कल्प के, किसी एक मासूक के, अभी जाकर के मिला है। इनको उन आशिकों को, और वो कहते हैं कौन मासूक कि मुझे याद करो तो हम तुमको बादशाही दे देंगे। ये खुदा दोस्त की आखानी सुनी है ना बच्ची, मुसलमानों में कहते हैं खुदा दोस्त, हिंदुओं में किसका दोस्त बताया है? अर्जुन को सखा कहा ना तो दोस्त हो गया। तो बाबा ऐसी अखानियां बहुत सुनाते रहते हैं पुरानी पुरानी। तो एक तो खुदा दोस्त की कहानी, हातिमताई की कहानी और अल्लाह अब्बलदीन की कहानी और भी अलाउद्दीन का भी नाटक दिखाते हैं। ये सब देखा है? तो वो अलाउद्दीन क्या करते हैं?
वो ठक्का करते हैं, है तो वो खजाना निकल आता है, है? तो तुम बच्चे जानते हो यहाँ कि किसके ऊपर अल्लाह जो अव्वल दिन स्थापन करते हैं, अव्वल माने पहले नंबर का धर्म स्थापन करते हैं, क्या नाम है उसका? सत्य सनातन देवी देवता धर्म। तो वो ठक तुमको करना है, लेकिन अभी तो ठक्का नहीं करते हैं ना, दृष्टि से ऐसे देखते हैं ना, तो वो ध्यान में चली जाती है जैसे वैकुंठ में चली गई। ओहो, बैठ करके वैकुंठ में डांस करती है, कृष्ण की महिलाओं में जैसे बैठे रहते। तो हुआ ना बरोबर, जैसे अल्लाह अव्वल दिन या आदि सनातन देवी देवता धर्म अव्वल नंबर धर्म है ना बच्चे, तो इस एक ही धर्म के ऊपर स्थापना की बातों में कितनी नाटक बनाए हुए हैं। तो खुदा दोस्त की भी ऐसी कहानी है, देखो यहां आते हैं ना, कोई कोई आते हैं यहां आकर के सामने बैठते हैं, अच्छा बैठते हैं तो उनको दृष्टि देना, और तुम बच्चों को तो शुरुआत यज्ञ में बहुत दृष्टि मिली थी ना, बहुत छोटे छोटे बच्चे थे वो खास ध्यान में चले जाते थे, तो देखो क्या हुआ, ये अव्वल दिन जो स्थापन करने वाला है तो अव्वल दिन तो है वैकुंठ देवी देवताओं का, तो देखो बच्चे वहां क्या करते थे तुम स्कूल में, सब बच्चे आते ही अरे बाप की भी दृष्टि नहीं कुछ भी नहीं, बच्चे आपस में बैठ करके चलो चलो हम अपने वैकुंठ में चले, बस ऐसे ही एक दूसरे को बैठ करके देखते, और देखते ही तुम जानते हो कि बच्चियां कैसी ड्रेस करके आती थी, तुम तो वहां नहीं थी परंतु ये बच्ची थी और ये बच्चे थे, बच्चियां हैं ये जैसे छोटी छोटी, तो ये बच्चियां ड्रेस वगैरह करके ताज वाज पहन करके आ करके बाबा के सामने कहती थी, बाबा अब हम तैयार हैं,
तैयार है, वो करके आई है तैयार, और हम साक्षात्कार में वैकुंठ में जाते हैं। दस सात सड़सठ की वाणी का सातवां पेज। तो बस वहीं खड़ी खड़ी वैकुंठ में जाकर के ऐसे ऐसे डांस करते करते, फिर वो डांस करते चली जाती थी महल, बड़े हालों में चली जाती थी। तो देखो ये हुआ ना अल्लाह अव्वल दिन, जो ये खेल करते हैं ठक्का करने से। अभी तो ठक्का वक्का हुआ भक्ति मार्ग का, क्योंकि बाप फिर सार की बातें समझाते हैं, है? बाप सार की बातें समझाते थे। अभी तो जो आदि यज्ञ की बात की वो कौन कराता था? सार समझाते हैं कि क्या है साक्षात्कार वगैरह, बस ये खाली देखने का है। तो ऐसे देखने से बहुतों को होगा, ऐसे मत समझो नहीं होगा, आगे चल करके बहुत होता रहेगा, है? नहीं नहीं, ये जो खेल बंद हुआ है, ये दृष्टि देना और ध्यान में भेजना, आगे चल के सुना ना, कब्रिस्तान भी बनाए देते थे। ये क्या हुआ है? मैंने सब सो जाते थे, क्या कब्रिस्तान वाले सब सो जाते थे। बहुत बच्चे आते थे, कहते थे बाबा कब्रिस्तान बनाओ। क्योंकि वो सब एक दो के संग में याद के बल से सब ध्यान में चले जाते थे, बंदाओं का साक्षात्कार। कभी तो उठ करके डांस वगैरह करते थे, तो लोगों ने उसको जादू कहना शुरू कर दिया। तो ये जादू 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 का वो तो फिर बंद हो गया, ड्रामा के प्लान अनुसार बंद हो गया। अभी तो वो बात ही नहीं रही, समझा ना? वो रात को सोना करना, ये करना, क्योंकि हंगामा होते हैं, और फिर जो जाते हैं ध्यान में वो भी कहते हैं अरे ये जादू नहीं है तो फिर क्या है, मैं भी बरोबर गया। कहां ध्यान में? कौन है? ब्रह्मा बाबा। मैं भी बरोबर गया और सोया तो मुझे भी जादू लगा, तो फिर वो जो सुलटी बात है जा करके उल्टी बताते थे। तो देखो ड्रामा के अनुसार, तो बाबा समझाते हैं ये खेल बने हुए हैं, हाथे मताई का खेल,
देखो तुमने ये आख्यानियां तो पढ़ी होंगी ना, मुंह में मुख और मुलहरा डालते थे तो माया गुम हो जाती थी, मुंह में मुलहरा नहीं डालते थे तो माया आ जाती थी, एकदम आ जाती थी। तो ये भी बड़ी 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 आखानियां हैं एकदम। क्या क्या बताई आखानियां? आतमताई की, अलाउद्दीन की और समझा? ये नावल्स किसको कहा जाता है? उनमें कोई कोई पुराने पुराने भी नावल्स हैं। अगरम बगरम तगरम कोई समझ तो नहीं सकते, और यहां तो बाप बैठ करके बच्चों को समझाते रहते हैं कि बच्चे मुंह में मुलहरा डाल दो, यानी बात मत करो, ये आत्मा तुम बात मत करो, जैसे कि तुम एकदम शांति का सागर हो, जैसे बाप शांति का सागर है तो तुम भी शांति के सागर हो, क्योंकि वहां रहते हो तो शांति में ही रहते हो ना, कहां शांति धाम में, वहां तो सब आत्मा ही रहती है, स्वधर्म में ही रहते हैं। यहां फिर जब सतयुग में आते हो तो यहां भी स्वधर्म में रहते हो, क्योंकि ये पढ़ाई तो पढ़ी थी ना कि हम आत्मा हैं, बाबा ने समझाया था कि सतयुग में मैं आत्मा हूं, बस वह परमात्मा को नहीं जानते। अगर परमात्मा को भी जाने, जैसे तुम जानते हो कि परमात्मा है, परंतु जानते तो नहीं, कुछ नहीं है ना, ज्ञान तो नहीं सुन सकते हैं। वो तो जैसे तुम कहते हो परमात्मा, वो भी जानते हैं परमात्मा है, हम आत्मा हैं, कौन कौन जानते हैं? वो माने कौन जानते हैं? दुनिया वाले। और तुम भी कहते हो परमात्मा है, तो कौन है परमात्मा? हमको ये शरीर जब बुढ़ा होता है तो दूसरा लेना है ना, तो वहां सतयुग में भी योग बल से आप ही मिलता है, नया शरीर मिलता है, क्योंकि वहां भ्रष्टाचार तो नहीं है। तो ये तो तुम बच्चों को अच्छी तरह से समझाया है कि देवताएं शिष्टाचारी होते हैं, भ्रष्ट इंद्रियों का भ्रष्ट आचरण करने वाले नहीं होते हैं। तो कभी भी कोई प्रश्न पूछे तो बोलो वहां सतयुग में स्वर्ग में कोई विकार नहीं होते हैं, उसको कहा ही जाता है वॉइसलेस वर्ल्ड, यानी निर्विकारी देवताओं की दुनिया।
वहां इंद्रियां विकारी बनती ही नहीं, क्योंकि वहां तो विकार की बात ही नहीं है। वो पांच विकार वहां है ही नहीं। काम विकार भी नहीं, तो क्रोध क्रोध विकार भी नहीं, और वो ये विकार आते देवान से हैं, तो वो वहां देवान भी नहीं। अपन को आत्मा समझते हैं ना, देवान होता ही नहीं। तो यहां आत्मा का ज्ञान है ना बच्चों को, तो फिर जब माया का राज्य आता है तो देव अयोध्या अभिमानी बन जाते हो। क्यों कि माया में देवान ज्यादा होता है क्या? तो वहां नई दुनिया में तो मोह मोह जीत होते हैं, तो मोह जीत राजा की कथा तो सुनिए ना। एक मोहजीत राजा था ना, कौन सा था? हरिश्चंद्र। तो वहां मोहजीत तो होते ही है ना, नष्टो मोहा यथा राजा तथा प्रजा। तो यहां तुम बच्चों को कहते हैं कि अभी इस दुनिया से नष्ट मोहा हो जाओ, है नष्ट मोहा हो जाओ, क्योंकि बताते हैं ये दुनिया से नष्ट मोहा हो जाओ क्योंकि कोई दुनिया को छोड़ना तो नहीं है ना बच्चे। वो सन्यासी लोग क्या करते हैं, छोड़ के जंगल में चले जाते हैं। वो देखो उनको वैराग आता है तो घर बार छोड़ करके दुनियादारी छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं। और तुमको थोड़ा ही कहा जाता है कि तुम घर बार छोड़ दो जंगल में जाके रहो, नहीं, ये है बुद्धि का काम। क्या क्या काम है बुद्धि का? कि मन बुद्धि से घरवार को घर में जो देह के संबंधी रहते हैं उनको याद ना करो, ये आत्मा का काम है, क्योंकि ज्ञान ही आत्मा का है। तो बाप आत्माओं को आकर कहते हैं, बच्चे अभी कोई सन्यासियों के मुआफिक शरीर सहित कोई जंगल में नहीं जाना है। अभी तो ब्राह्मणों की दुनिया में सन्यासी नहीं है क्या? हैं? तो क्या वो सन्यासी शरीर सहित जंगल में जाने वाले हैं? नहीं जाने वाले। तो फिर काहे की शूटिंग कर रहे हैं? कहां? बुद्धि से जाएंगे जंगल में। कहां जाएंगे? अरे वो कांटों के जंगल में चले जाएंगे, है? कहां चले जाएंगे?
यहाँ नई दुनिया स्थापन होगी। और वो कहाँ चले जाएंगे? विदेशों में जाके धक्के खाएंगे। तो सन्यासियों की भी तो शूटिंग होती है ना ब्राह्मण बच्चन है? नवकुरी के ब्राह्मण हैं, तो कोई सन्यासपुरी के भी होंगे ना। तो तुमको तो जंगल में नहीं जाना। नहीं, यहां रह करके तुमको बाप को याद करके ये पुराना शरीर छोड़ने का है। यहां तुमको कहते हैं बाप को याद करो, क्योंकि तुम्हारा काम ही है बाप को याद करना। हम और क्या कृपा करेंगे? जितना याद करेंगे तुम्हारी आत्मा की कट उतरती जाएगी। ये ही कृपा करती है। तो बाप आए हैं, आत्माओं को कहते हैं हे आत्माओं, तुम अपने बाप को याद करो तो तुम्हारा विकर्म विनाश हो जाएगा। तो अभी और क्या करें? रास्ता ही तो बताएंगे ना। तो जो रास्ता बताते हैं उस रास्ते पर चलना है, ऐसे तो नहीं है। कि किसको रास्ता बताना है और कोई उनके साथ चले जाना है, जाकर के बताएगा वहां। कभी ऐसे करो, वैसे करो। चलो तो यहां से जाओ, यहां से जाओ, फिर ये झाड़ आएगा, फिर ये हट्टी आएगा, तो यहां जाकर के पहुंचेगा। ऐसे करके रास्ता बताया जाता है ना, कि साथ में सबको ले जाएगा उनको। नहीं, रास्ता बताने का अर्थ ही ये है। तो बाबा रास्ता भी बताते हैं और वो भी कहते हैं बरोबर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। कब चलूंगा? तभी चल सकेंगे जब तुम लायक बन जाएंगे, पवित्र बन जाएंगे, तब चलेंगे। समझा ना? तो मैं साथ चलूंगा और तुम पूरा पद भी पाएंगे। साथ में तो सभी जाने का है, कोई ऐसे नहीं कि पीछे जाने का है। ये तो ऐसे जाएंगे जैसे मक्कड़ होते हैं, मक्कड़ों का झुंड होता है ना, तो कैसे झुंड के झुंड आते हैं चले जाते हैं। तो ये लोकस्ट की बात है। टिड्डी का दिल देखा, टिड्डी का झुंड देखा है कैसे आते हैं? अरे ऐसे झुंड के झुंड आते हैं कि सूरज की रोशनी भी ढक लेते हैं। इतना अनगिनत आते हैं। तो देखो
उन टिड्डियों का भी तो कोई हेड होता है ना? है जो उनको राह बताते हैं, जिस तरफ में वो जाएगा पहले उस तरफ में फिर पिछाड़ी वाले। तो कहां कहां जाएगा? बस वो पहले वाले बैठकर तो सब वहां बैठ जाएंगे। तो उनका झुंड देखा, अरे ये जो माखी की मक्खियां होती है ना शहद की, उनकी भी रानी होती है, समझा ना? तो वो रानी जब कोई आकर के घर छोड़ आते हैं, कहते हैं बस रानी भागी, तो सारे उसके पीछे पीछे भागे। तो आवाज निकली बुम बुम, ऐसे जोर से आवाज जैसे कोई बाछोड़ा आते। बस वहां जाकर जहां वो रानी बैठेगी वहां जाकर के सब उनके ऊपर इतना मनारा बनाए देते हैं। होता है ना, उनको मनारा बनाने में कोई टाइम नहीं लगता है। तो ये भी ऐसे ही है। क्या है ऐसे? यहाँ क्या है, यहाँ क्या शूटिंग होगी? इस तरह का उदाहरण दिया तो है? ये क्या होगा? यहाँ भी कोई रानी मक्खी निकलेगी, तो सब आत्माएं भागेंगी। कहाँ जावेंगी? जा करके जो मूल वतन है ना, जहाँ बीज रूप स्टेज में आत्माएं रहती हैं, मनारा बन जाएगा, जैसे मक्खियों का मनारा। तो ये बात समझ जाते हो ना बच्चे? ये ह्यूमन जीनोलॉजिकल ट्री को भी समझा, तो जो आत्माएं हैं उनका भी देखो झाड़ ये समझा, ट्री। ट्री निकालते हो ना बच्चे? तो ये बच्चे समझ गए कि वो जो वहां जो आत्माओं का झाड़ है वहां कैसे जाते हैं, कहां कहां कहाँ है आत्माओं का झाड़? परम धाम में ऊपर है, यहाँ रानी में वहां जाएगी रानी मक्खी झुंड लेकर के। अरे तो वो जो आत्माओं का झाड़ है ना, आत्मिक स्थिति में रहने वालों का, तो वहां कैसे जाते हैं और यहाँ वो कैसे झाड़ बनते हैं, ये सब तुम्हारी बुद्धि में जो जो भी अच्छे घराने वाले हैं ना, सूर्यवंशी चंद्रवंशी, उनकी बुद्धि में ये बातें बैठेंगी। क्या इनकी बुद्धि में नहीं बैठेंगी? हैं? जो इस्लाम वंश में क्रिश्चियन वंश बौद्ध वंश में जाने वाले होंगे उनकी बुद्धि में नहीं बैठेंगे। तो कितना कितना बाप समझाते हैं, फिर कहते हैं बच्चे बड़ी बड़ी बात लंबी बात नंबर वन की है, बाबा अपने मीठे बाबा को याद करो।
फिर अगर कहीं बाबा भूल जावे तो टीचर को याद करो, और टीचर ने क्या क्या पढ़ाई पढ़ाई वो याद आएगी ना। अब टीचर याद आएगा तो बाबा भी याद आएगा, क्यों? क्योंकि बाप टीचर एक ही है ना। अच्छा, याद किया तो भला सदगुरु भी तो है ना, है जो तुम्हारी सदगति करके तुमको अपने सतयुग में ले जाने वाला है। कौन है सदगुरु? कौन है? निराकार है या साकार है? साकार है ना। कहते हैं सदगुरु मिला दलाल, तो बिचौलिया है ना। वो बिचौलिया है, निराकार और साकारी आत्माओं का क्या, अभोक्ता का और भोगी आत्माओं का दलाल है, तो वो तुमको सतयुग में ले जाने वाला है। अब वो दलाल है, साकार है, तो टीचर और बाप कौन होगा? है वो भी तो वही हुआ ना, क्योंकि तुम्हारा तो बाप टीचर है सदगुरु एक ही है ना। तो जो जाने वाला है वो उनको भी तो याद करने वाला है ना, क्योंकि वो भेज देने वाला है। भेज देने वाला कौन है? अपने साथ ले जाने वाला कौन है? अपने साथ ले जाने वाला साकार है, और भेज देने वाला निराकार शिव बाप है, आत्माओं का बाप। तो वो खुद तो नहीं जाएगा ना बच्चे, तो वो एक ही बात बताते हैं। और तुम बच्चे भी कहते हो बाबा आओ हमको सदक, हमको सबको सदगति दो, तो देखो कितना लवली बाप है और कितना ऊंचा पद देते हैं किस जन्म के लिए। तो क्या तुम ऐसे बाप को भी याद नहीं करेंगे? याद नहीं कर सकते हो? तो जो वो नहीं कर सकते हैं ऐसे को याद करना चाहिए बहुत अच्छी तरह से। ये प्रेम के आंसू, प्रेम के आंसू बहने लगे हैं जब कोई याद करता है। मैंने बहुतों का फोटो भी लिया है, दिखलाऊंगा, दिखलाऊं वो कैसे बैठती है और क्या लिखती है। मैं एकांत में बैठा हूं, आपको याद कर रही हूं, आप कितने मीठे हो, हमको क्या क्या देते हो, बस आप जैसा तो अभी हमको कोई मिला ही नहीं और ना कोई हो सकता है। हमने अच्छी तरह देख लिया, बरोबर भक्ति मार्ग में आधा कल्प हमने याद किया, अभी जा करके मिले हो, परंतु बाबा हम क्या करें,
बंधन है, पति छुट्टी नहीं देता है। हम क्या करें बाबा, ये हमारा बंधन खलास करो। बंधन खलास हो जाए तो देखो ये सब क्या है? है ये याद नहीं हुई क्या? है ये भी तो याद हुई तो कितना समय याद करती है, घंटा घंटा डेढ़ डेढ़ घंटा, कितना उनका जमा हो जाता है। तो उनका जमा हो जाता है तुम क्या सोते रहते हो? नहीं, उनका जमा हो जाता है तो तुम नहीं कर सकते हो क्या? हम कर सकते हो, क्योंकि तुम भी तो पूरे आशिक हो ना, और मासूक भी तो पूरा है आधा कल्प का, आधा कल्प से बिछड़ा हुआ। ये क्या कहा? मासूक आधा कल्प का बिछड़ा हुआ है। बताओ, एक कल्प का बिछड़ा हुआ है या आधा कल्प का बिछड़ा हुआ है? आधा कल्प क्यों कहा? जिसको याद करते हो, क्योंकि द्वापर आया तो बिछड़ गया, उससे पहले बिछड़ा हुआ नहीं था। वहां सत्युगत रीता में तो जो राजा होता है उसी को जैसे सब कुछ समझते हैं क्या? क्योंकि बहुत सुख देकर जाते हैं ना, तो याद आता है। तो जब भक्ति मार्ग में दुख पड़ता है तो फिर याद करते रहते हैं क्या कि हमको स्वर्ग में कितना सुख मिला था। तो कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। तो ये गाया जाता है। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं कि दुख में मेरे को सब याद करते हैं। कौन सी बाप कहते हैं? मनुष्यों का बाप कहते हैं या आत्माओं का बाप कहते हैं? आत्माओं का बाप कहते हैं। अच्छा, मनुष्यों के बाप को सब जानते हैं फिर? मनुष्यों के बाप में ही तो वो शिव बाप आते हैं, आत्माओं का बाप। तुम बच्चों को सुख में भेजेंगे ना, जब हम भेजेंगे तो मुझे कोई भी याद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां सुखी सुख होता है, और यहां तो भले बाप आते हैं तो माया दुखी कर देती है, कभी सुख कभी दुख, कभी दुख कभी सुख, और वहां तो सुखी सुख हो।
तो ये खेल बना हुआ है सुख और दुख का। तो बाप जब आते हैं तो ये सुख दुख का खेल बैठ करके समझाते हैं कि आधा कल्प सुख और आधा कल्प दुख। सुख देने वाला है एक ऊंचते ऊंच बाप और दुख देने वाले हैं अनेक। अच्छा, मीठी मीठी बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। ओम शांति।